Kumar Sinha is an electro homeopathic doctor. After getting education in many fields, he dedicated his entire career to electro homeopathy. After doing MBA from Madras University, Sinha took the post of deputy director in Sinha Electro Homeo Research Center, which has been working in this field for 50 years. And with his ability, Sinha's unprecedented discovery, gangrel forte and electro homeopathy got a recognition at the world level. I'm not saying that gangrel forte is boom for a cancer patient. This is what thousands of patients have said who have benefited from it even in the last stage. Can we have the round of applause? Hello friends. सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है हमें। डॉक्टर सेन पाठक जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने ही मोटिवेट किया था। एमडी एंडरसन से डायरेक्ट फोन आया था कि डॉक्टर प्रभात आप उस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड करें और मैं डायरेक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ कि आपसे वो मिलकर बात कर लेंगे क्योंकि डॉक्टर सेन पाठक से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे। एक चैलेंजेबल केस पर मुलाकात हुई थी और वो हेल्थ मिनिस्ट्री का ही केस था एक्चुअली, जिसको कि देखकर ये कह दिया गया कि शायद ये दो दिनों तक अलाइव रहे पेशेंट, उसके बाद ये नहीं रहेगा। बट उस केस को देखने के बाद जो पेन से तो वो 10 दिन तक सोया नहीं था बंदा, और पेन अनबेरेबल तो था ही, स्थिति मॉर्फिन ओवरडोज में दी जा रही थी, बेहोशी की अवस्था थी उनकी, उसके बाद भी चिल्लाते थे। और वैसे स्टेज में जब उन्हें रिप्लाई दिया गया कि ये इनकी लाइफ 2 दिनों की बची हुई है सिर्फ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कॉल आया था और ये कहा गया कि डॉक्टर सिन्हा यहाँ पर शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई चमत्कार करेगी। तो हम लोगों ने कहा यही हमारे फादर डॉक्टर के पी सिन्हा हमारे गुरु भी हैं और हमारे मेंटोर भी कहे होंगे, उन्होंने ये कहा कि हमें जो भी कुछ करना होगा 15-20 मिनट में करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और उस दिन एक मिरेकल देखा गया, लाइव ट्रीटमेंट जो कही जाती है हेल्थ मिनिस्ट्री में, कि हेल्थ मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है, पेशेंट भी सामने बैठा हुआ, और 20 मिनट के अंदर पेन तो रिड्यूस हुआ ही, रिड्यूस क्या 90% प्लस रिड्यूस हो चुका था विद इन 20 मिनट्स। इवन ट्यूमर भी जो था वो 60% डिसॉल्व हो चुका था 20 मिनट के अंदर। शॉकिंग, बिल्कुल वो खड़े हो चुके थे, हेल्थ मिनिस्टर अपने सोफे से खड़े हो गए और कहे कि डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है, आखिर इतनी बड़ी रिसर्च को हम लोग आज तक इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसी समय डॉक्टर सेन पाठक को कॉल किया गया और कहे कि पाठक जी आप जिस पेशेंट को देखकर ये कह दिए थे कि इनकी लाइफ 2 दिनों बची हुई है, हमारे मित्र डॉक्टर सिन्हा एक बिहार से हैं और उन्होंने तो 20 मिनट में ही सारा काम कर दिया है। और फिर दूसरे दिन पूरी टीम 10 लोगों की टीम थी, वो देखने आई सिर्फ ये कि हुआ क्या है एक्चुअली। और 10 दिनों नेक्स्ट डे जब टीम आई तो देखी यही कि लॉन में वो वॉक कर रहे थे इजिली, और उस पेशेंट को करीब 8 महीने अलाइव रखा गया पेनलेस लाइफ पे। एक्चुअली पेन एंड पैलिएटिव केयर की शुरुआत इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। कैंसर हॉस्पिटल तो हमने बहुत जगह चलते हुए देखे थे, बट हमारा मानना था जैसे हमारे रत्सर ने कहा कि 50% हमने कैंसर पे काबू पा लिया है, तो जो 50% बचे हुए हैं उसमें 80% केसेस में पेन एंड पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ जाती है आफ्टर कीमो रेडिएशन और सर्जरी अगर हम देखें तो। और जब पेन जब डेवलप करता है, क्योंकि कैंसर पेन टॉप 5 पेन में आता है वैसे भी, तो जब डेवलप करता है उस समय लास्ट स्टेज में हम मॉर्फिन दे रहे हैं जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है एक्चुअली, उसके बाद भी पेशेंट बेहोश हो रहा है, भी चिल्लाता है, लास्ट में ये कह दिया जाता है कि अब इसे घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो पेशेंट की उस समय सेवा नहीं होती है क्योंकि पेशेंट तो चिल्लाते रहता है। ये अश्विनी कुमार चौबे गैंग्रेनल फॉल्ट, यस गैंग्रेनल फॉल्ट इज अवर एक्चुअली ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो रिसर्च मेडिसिन है, और ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से 3 बार रिक्वेस्ट लेटर आ चुका उस मेडिसिन के लिए, हम लोगों ने भेजा है एक्चुअली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे CDRI भेजा था टेस्टिंग के लिए, और हमारे अब रथ साहब की नज़र उस पर आ चुकी है और 100 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी चल रही है ऑफिशियली NCI झज्जर।
उसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा जी एम्स के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब जो है उसके प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से, और मिनिस्ट्री से बहुत जल्दी इसका मैं परमिशन लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो प्लांट्स ओरिएंटेड मेडिसिन है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट है टोटली, उसमें 78 प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं डिफरेंट रेशियो में। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। वो एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक इटालियन साइंस है जिसे काउंट सिज़रमैटी ने 1865 में इंट्रोड्यूस किया था। इटालियन साइंस वर्ल्ड की इकलौती एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो फिजिक्स बेस्ड है। फिजिक्स बेस्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एनर्जी बेस्ड है, और एनर्जी की पढ़ाई हम फिजिक्स में ही करते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसकी जो मेडिसिन होती है वो दो फॉर्म में होती है एक्चुअली, ग्लोबुलर फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म। तो जो ग्लोबुलर फॉर्म की मेडिसिन होती है वो फिजिक्स की जो एनर्जी की फॉर्म होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो ग्लोबुलर फॉर्म की होती है, देन काइनेटिक फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो लिक्विड फॉर्म की होती है। तो काउंट सिज़रमैटी ने उस समय टेस्ला थ्योरी की भी स्टडी काफ़ी की थी, जो टेस्ला ने एनर्जी थ्योरी दिया था। उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन की भी स्टडी की थी, जितने भी फिजिकिस्ट थे बायो फिजिकिस्ट उस समय के, सब लोगों का मानना ही था कि लाइफ इज अ वाइब्रेशन, लाइफ इज अ फिजिक्स। जैसे हम कभी भी अगर क्रिटिकल स्टेज में जब हम चले जाते हैं, जब हमारी लाइफ को टेस्ट करना होता है, तो हम वाइब्रेशन चेक करते हैं सिर्फ, हम उसके कभी भी ब्लड के सैंपल को नहीं भेजते हैं अपने पैथोलॉजी में जाकर कि किसी बायोकेमिकल टेस्ट करके और बताओ कि ये जिंदा है कि नहीं। हमेशा उसकी वाइब्रेशन को टेस्ट किया जा रहा है, या तो हम स्टेथो के थ्रू करें, या ECG के थ्रू करें, या जैसे भी करें, या पल्स के थ्रू कर लें, वाइब्रेशन देखते हैं कि वाइब्रेशन है कि, तो मतलब कि वाइब्रेशन इज लाइफ। और वाइब्रेशन जो हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, एनर्जी। और एनर्जी का जो सोर्स है हमारे सेल में, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम कह रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर स्टेशन ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर हमारी मेडिसिन जा रही है, और कहीं उससे भी डेप्थ हम कहें, क्योंकि एनर्जी से डेप्थ किसी चीज़ की हो नहीं सकती है। क्योंकि ऐसा मानना है कि हम कहते भी हैं कि गॉड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं हमसे, बट अगर हम उसे स्टडी करें कि रियली में गॉड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन मेडिसिन अगर एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये उस रूप में तो नहीं है कि। इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, बहुत सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं। अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री से 100 से ज़्यादा केसेस पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, बट वो सारे क्लिनिकल ट्रायल अभी अनऑफिशियली हैं। अभी जो एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी चल रही है 100 पेशेंट पर, इसे उस मेडिसिन रिसर्च की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कैंसर अगर ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर, देन वो मेडिसिन काम करेगी, अदरवाइज वो न्यूट्रल हो जाती है। मैलेग्नेंसी वो डिटेक्ट करती है, अगर ट्यूमर अगर सस्पेक्टेड है, लग रहा है कि पेन डेवलप किया है और ये कैंसरस है, मैलिग्नेंट है या नहीं, देन हम उस मेडिसिन को अप्लाई करके, और वो मेडिसिन सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है टॉपिकली। यस, ये गैंग्रेनोल फोल्ड, नहीं, गैंग्रेनोल फोल्ड इज ए फॉर्मुलेशन। एक्चुअली क्या है, वो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं, एंटी कैंसरस प्लांट्स से 78 प्लांट्स को सेलेक्ट किए गए, उसके बाद उसके डिफरेंट रेशियो प्लांट्स की स्टडी की गई, और डिफरेंट रेशियो में उस मेडिसिन को कंबाइंड किया गया सारे प्लांट। यस, प्लांट्स की स्टडी अलग से नहीं की गई है, प्लांट्स की स्टडी तो ऑलरेडी आयुर्वेदा में किया गया है हर चीज के, तो उसके कैरेक्टर को स्टडी किया गया, प्लांट्स के कैरेक्टर को। यस, रेशियो की जो स्टडी है, एक्चुअली हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोपिया होती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिफरेंट साइंस, जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोपिया ही होती है कि अलग। यस यस सर, जी नहीं, इकट्ठे हो जाते हैं सर, क्योंकि प्लांट्स का एक नेचर भी होता है। जैसे हमने दो प्लांट्स, अगर सिंगल प्लांट्स यूज कर रहे हैं उसका अलग कैरेक्टर है, अगर दो प्लांट अलग अलग यूज कर रहे हैं तो उसका अलग कैरेक्टर है, दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो उसका एक अलग कैरेक्टर आता है। जस्ट लाइक जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन का अलग कैरेक्टर होता है, ऑक्सीजन का अलग कैरेक्टर, बट दोनों का रेशियो अगर चेंज कर दें, सिर्फ H2O कर देते हैं, तो वो ना आग जलाती है ना आग को जलने में मदद करती है, आग को बुझा देती है, वो पानी बन जाता है जब। तो जस्ट लाइक गैंग्रेनोल इलेक्ट्रोमोपैथी की, यस यस सर,
जी प्लांट्स की एक्चुअली बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही पहचाने, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोपिया है, जो फॉर्मुलेशन होता है वो उसी कॉन्सेप्ट पे होता है, वो प्लांट्स की जो बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसी को हम कंबाइंड करते हैं सिर्फ लेकर, इसी में उसका जब प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी में हमें पता चलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉन्सेप्ट के अनुसार कि इसमें एक्टिव सब्सटेंस कितने होते हैं और कितने नहीं होते हैं, और उसके अनुसार उसके रेशियो को फिक्स किया जाता है कि हम किस प्लांट्स के कितने रेशियो को हम लें और कितने ना लें उसमें। यस यस। तो पेन एंड पैलिएटिव को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया था मेनली, एक्चुअली हमारे करीब 2008 में ही एक कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया था जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन एचओडी आई हुई थी ऑडिट एक्सपर्ट, वो वहां की पेन एंड पैलिएटिव केयर की एचओडी थी, तो उन्होंने हमसे एक ही चीज़ बोला था कि डॉक्टर प्रभात रियली में कैंसर ठीक होना तो एक अलग मैटर है, अगर कैंसर के पेन पे अगर आपने काबू पा लिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 200,000 से भी ज़्यादा पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहे हैं और जितने भी कैंसर हॉस्पिटल भी हैं उस सारे कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक मैंडेटरी रूल होता है कि उसमें पेन एंड पैलिएटिव केयर यूनिट होनी चाहिए, बट जितने भी बड़े कैंसर हॉस्पिटल में आप चले जाएं आपको पेन एंड पैलिएटिव केयर की यूनिट बिल्कुल एक छोटे से कमरे में मिलेंगे, जबकि 80% केसेस में पेन एंड पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ रही है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर 20% के लिए अगर हम इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं हॉस्पिटल की तरह, तो फिर 80% के लिए छोटा सा कमरा क्यों रखा गया है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वहां सफल नहीं हो पा रहे हैं या हमारी कुछ मजबूरियां आ रही है सामने? तो हमने क्या किया कि उस 80% को टारगेट किया कि 20% पर तो काम हो ही रहे हैं, तो फिर 80% को भी देखा जाए कि क्या हो रहा है। और पेन एंड पैलिएटिव पर जब काम शुरू हुआ तो रियली जो रिजल्ट अभी मिल रहे हैं, अभी जितने भी हमारे 25 सेंटर अभी हमारे पूरे इंडिया में रन कर रहा है, जहां भी चल रहे हैं, जो रिजल्ट मिलते हैं विद इन 20 मिनट्स, आप घड़ी से देखकर अनबियरेबल पेन है कैंसर पेन, जैसे थ्रोट कैंसर है, डॉक्टर सेन पाठक ने यही कहा, एक्चुअली हम लोग पहले केवल कैंसर के पेन पे काम करते थे, बट सेन पाठक जी ने एक ओपिनियन दिया आने के बाद जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब के केस को देखा उन्होंने और उसमें जो रिस्पॉन्स देखा, तो यही कहे कि डॉक्टर प्रभात एक काम कीजिए कि आपका एक लेक्चर मैं टेक्सास में करवाता हूँ और आप पे चलिए हमारी टीम में, वहाँ कुछ काम करना है। फिर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को इस बात की जानकारी हो गई, फिर उन्होंने रोक दिया कि नहीं हमारी इंडिया की प्रॉपर्टी है, बाहर नहीं जानी चाहिए, ये कह के सर उन्होंने एक चीज़ बोला कि डॉक्टर साहब आप पेन पे काम कर रहे हैं बट ये आपकी मेडिसिन सिर्फ पेन किलर नहीं है, इसमें एक एंटी इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर भी है जो उस ट्यूमर को डिजॉल्व कर रही है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हमारे लिए अभी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी अगर मिल जा रही है तो। अगर हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती कैंसर में तो शायद हमें सर्जरी करने की नौबत नहीं आती। सर्जरी हम तभी करते हैं जब हमें ये पता हो जाता है कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और हमें पता होता है कि सर्जरी करने के बाद अगर ट्यूमर रियल में मैलिग्नेंट है तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ने के हो जाते हैं, और इसमें अपनी वो बिल्कुल, मैंने आज तक एक चीज़ फील किया डॉक्टर साहब हमेशा कि मैंने जितने भी अभी तक जो टॉप पे बैठे हैं ना, जो हम कहते हैं कि डॉक्टर बायस्ड होते हैं ऐसे कुछ नहीं, जितने टॉप पे बैठे हुए हैं सभी हमें ड्राई ऑनेस्ट मिले, सब लोग ड्राई ऑनेस्ट, मतलब उनसे बात करने के बाद एक फील होती है कि ऑनेस्टी क्या होती है रियल में, तो हमें एक सीख जरूर मिलती है कि रियल में जब हम उतने ड्राई ऑनेस्ट होते हैं तभी उतने पीक पे जाते नहीं हैं। यस यस ओके सर, थैंक यू। मैं बस सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, और मैं इलेक्ट्रोमोपैथ के लिए भी और इलेक्ट्रोमोपैथी के उस फाउंडर के लिए भी जिन्होंने हमें इतने बड़े स्टेज पर इस तरह का मौका दिया है करने के लिए। थैंक यू सर।